बाप रे, ये कॉल तो उसी नंबर से आ रहा है यार। हेलो, सुन, चुपचाप फोन उसे पकड़ा दे। क्यों, मेरी आवाज पसंद नहीं आई? You idiot, just give it to him. Brainless loser, जो कहा वो कर। तेरे को याद करी है, ले बात कर। Hello, Kyron. क्यों बे, फैमिली का बदला लेने इतनी दूर यहाँ लंदन चला आया? पॉलिटिकल पावर, पुलिस पावर, इन सब के रहते हुए बहुत ही आसानी से वहाँ आके उन्हें मार दिया। ये तो मेरा इलाका है, तुम्हें मारना तो पबजी खेलने जैसा होगा। हीरोगिरी छोड़ और चुपचाप लौट जा। दीपक मेहता कहाँ मिलेगा? दीपक मेहता, उसने तुमसे गद्दारी की, लेकिन मैं उससे गद्दारी नहीं करूंगी। मैंने तेरा नंबर ढूंढ लिया तो तुझे ढूंढना कितना मुश्किल काम होगा। यू मीन कॉल ट्रैकिंग? इडियट, सिम कार्ड निकाल के तोड़ दूंगी तो किसे फॉलो करोगे? अब चाहो तो तुम अगले 10 साल तक लंदन की हर गली छान मारो, मुझे ढूंढना नामुमकिन है। मुझसे डर के तुम सिम कार्ड तोड़ के कहीं भी भाग सकती हो, पर मैं डरता नहीं। 9444131157 ये मेरा नंबर है। कल ट्रफेलगर स्क्वायर में तेरा वेट करूंगा। रेड कलर की टी शर्ट पहनी होगी, ढूंढ लेना मुझे। मेरे विल पावर के अलावा कोई और पावर नहीं होगा। ये इलाका तेरा, इसका घमंड है ना तुझे? तो आके दिखा। चल देखते हैं। क्या राग दे रही थी? मेरा साथ देने वाले हर टीम मेंबर को मार डालेगी। ओए, तेरी टीम में मैं ही तो हूँ। एक बुड्ढी का नंबर हैक करने की इतनी बड़ी सजा, देख भाई ये तेरी जिम्मेदारियां, मुझे कुछ भी करके मरने से बचा ले। इसका एक ही रास्ता है। तो बोलता पड़ तो। अभी तक आइडिया आया नहीं है। अबे बिना आइडिया के इस पंगे में डाल दिया। एक तो इंडिया में लेडी टीचर से खूब मार खाई, और इधर भी और मेरी जान की दुश्मन। ये ले भाई, हाँ तू भी ले, ये ले ले। पकड़। सुनो, सबका थोबड़ा मुझे याद है, पहन के इधर ही मंडराना। जो नहीं पहन के आएगा ना, उसका नक्शा बिगाड़ दूंगा। ले पकड़। ले, खाली मर्दों के लिए, औरतें गर्दी मत करो, चलो। हाँ हेलो सुभाष, टी शर्ट एक केक को बांट दिए मैंने। मैं सोचा था अपने लोग ही खाली चीजों के लिए भूखे हैं, लेकिन ये गोरे लोग तो अपने भी बाप निकले। झील माफी छीना चिपटी ना कर दे। गोरों की बात छोड़ बे काली है, जो 2 टी शर्ट अपने लिए रखी है ना तूने, चुपचाप डोनेट कर दे। आइला, इसको कैसे पता चल गया? हाइट होने का यही फायदा होता है। चल निकाल लिए दोनों टी शर्ट, अब क्या करूं? किसी को दे के वेट कर, मैं आता हूं। टी शर्ट चीफ, बहुत से लोगों ने रेड टी शर्ट पहनी हुई है, पर वो नहीं दिख रहा है। यू फूल, वो वहीं कहीं है। सबको कॉन्फ्रेंस मोड पे रखो, उसे मैं ट्रैक करूंगी, एंड देन आई विल कनेक्ट विद यू, तुम्हें गाइड करूंगी। यस चीफ, मूव इट, मूव इट। ओके, कॉपी इट। जैक, आलम्बो, मैं जानता था कि वो नहीं आने वाली है। तो अभी मैं क्या करूं? यहाँ बहुत से लोग मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, क्या तू पता लगा सकता है कि वो कहाँ से कॉन्फ्रेंस कर रही है? हेलो, आई एम वन एंड ओनली जैक। मैं सर्वर कोड क्रैक करने में एक्सपर्ट हूँ, इसीलिए दोस्तों ने मेरा नाम रख दिया क्रैक जैक। और तेरे को मेरे काम पे शक हो रहा है क्या? 2 मिनट में उसकी माँ को भी ढूंढता हूँ। तुम्हारी दाईं तरफ 200 मीटर की दूरी पर। ओके गाइस, राइट। हेलो सुभाष, यहाँ पर एक साथ 4-4 कॉन्फ्रेंस कॉल एक्टिव है रे। उसमें से एक जो है वो सर्विस प्रोवाइडर है, और बाकी 10 लोग उससे कनेक्टेड है, कोई कंपनी मैटर लगता है। नेक्स्ट। बाप रे, एक लड़की 3 मर्दों से होली खेल रही है। उसका लोकेशन बता। अरे मेरे सामने ही है, लेकिन तेरे लिए यूजलेस है। मेरी गोटी फिट करूं? क्या मतलब, जहाँ पर 3 है वहाँ पर मैं भी घुसता हूँ? अबे ये सीरियस मैटर है, मजाक करने का टाइम नहीं है। ए, कितना सेल्फिश इंसान है रे तू, इस गरीब का भी कुछ सोचना। तुझे तो वो एक ही लड़की नहीं मिल रही, लेकिन मुझे तो एक भी लड़की नहीं मिली। तुम उसके नजदीक हो, अपने राइट में जाओ, 70 मीटर दूर है। क्या रे? मूव मूव। Thank you.
गया क्या? वन सेकंड, दो लोग कब से लगे पड़े हैं यार? और एक नंबर तो जाना पहचाना है। ए, काम छोड़ के किससे लगा पड़ा है रे? ए, मोटे, कौन के नीचे खींच के दूंगा? गलती हो गई, सॉरी भाई। काफी करीब हो, 40 मीटर। अरे एक और कॉन्फ्रेंस चालू है, लगता है कोई खास बात है। सुनने को मिलता तो मजा आता। महिला एक औरत के साथ तो छह लगे पड़े हैं और पांच तो आजू बाजू में ही है, खाली एक कहीं कोने में घुसा पड़ा है। That's her, वही लड़की है। लोकेशन बता मुझे। रुक रे बाबा, खाली दो मिनट का टाइम दे मेरे को। बस 20 मीटर दूर है, सीधे चलते रहो। सो गया क्या? 10 सेकंड रे बाबा, उंगली तो चलने दे। जल्दी बताना। मुझ पे चिल्ला के क्या हो गया? गूगल चलने देना, दो सेकंड रुक जा। ढूंढ निकाल लाए। मेरे से 200 मीटर राइट में एक फेमस विक्टोरिया हॉल है, तेरी मुर्गी वहीं पे, जो करना है कर ले। थैंक्स जैक। अब ये कहाँ जा रहा है? ए लंबो, सस्ता फोन है क्या जो इधर ही छोड़ दिया? चीफ, नहीं मिला वो। सिर्फ 3 मीटर तुम्हारी बाईं तरफ। शिकार मिल गया। बोल मित्रा। ओए, ये नंबर को हैक कर रहा था। हल कट, मेरा काम कर रहा हूँ मैं। Idiots, गलत आदमी ढूंढ लिया, वो यहाँ है। जल्दी अंदर आओ। Guys, let's go. एक हैकर को जोकर बना दिया। सुभाष जी, शाबाश जी, थैंक्स कहने का बढ़िया तरीका था। हृदय प्रफुल्लित हो गया। ऑर्डर लिखना, एक बिच्छू का सूप, एक नागिन बिरयानी। पार्सल करना, किसी को नरक पहुंचा के जल्दी आता हूँ, ठीक है? क्यों बे फावड़े, रिसीव करने अंदर नहीं आ सकता था? नहीं नहीं, रिसीव करने नहीं, तुम्हें रिटर्न करने आया। मजाक कर रहा है? तो फिर तुम्हारे लफड़े की वजह से मीरा और बड़े भाई गुजर गए ना, और अब तुम बदला लेने के लिए आयो। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला, चलो जाओ। सुभाष, मत कर। हाय सुभाष, छुट्टी मनाने आई है? इसने अपनी प्रमोशन को रिफ्यूज कर दिया, फॉरेन अफेयर्स में पोस्टिंग मांगी और टर्की आ गई। पता नहीं क्यों। मुझे पता है। अरे वो सब जाने दो, मुझे ब्रेक की जरूरत थी, दैट्स व्हाई। और ये कुछ कह रहा था? कुछ नहीं, जब आदमी ख्याली मुर्ग मुसलम बनाता है और देखकर कहता है कि अच्छा नहीं है तो हार्ट ब्रेक होता है, और फिर हार्ट को ठीक करने के लिए। तो बताओ तुम्हारा प्लान क्या है? बताता हूँ। ये बदला लेने आए या रोमांस करने के लिए? ए साले सुन तो। दिया, मुझे मारने के लिए जिस अकाउंट से कायरा को कॉन्ट्रैक्ट मिला था, वो बैंक इस्तांबुल में ही है। जानती हो किसका अकाउंट निकला? कोई आइडिया नहीं। दीपक मेहता का। What? Yeah. उसके अकाउंट नंबर से हमें उसके घर का एड्रेस ढूंढना होगा। साले साहब, तुर्की में घर ढूंढते ढूंढते मुर्गी बन जाओगे, अकाउंट से तुम्हें कोई एड्रेस नहीं मिलने वाला, चांस ही नहीं है। पिकनिक मनाओ और अपने वतन लौट जाओ। अबे जब भी मुंह खोलते गोबर निकलते। अरे पागल हो गया ये। सुभाष, हम गवर्नमेंट की हेल्प लेंगे तो काम आसान हो जाएगा। इस सिचुएशन में किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। उसकी डिटेल निकालने के लिए मैंने अकाउंट हैक करने की कोशिश की थी, मेहनत बेकार गई। बैंक का सिस्टम पावरफुल फायरवॉल से प्रोटेक्टेड है, पासवर्ड ऑटोमेटिकली चेंज होता रहता है, सिक्योरिटी बहुत टाइट है, इन्फिल्ट्रेट करना मुश्किल है। अद्भुत, मेरा अकाउंट भी इसी बैंक में है, मतलब मैं और मेरा पैसा एकदम सेफ है। कॉफी पी। अबे गटर जैसा मुंह बंद करने को कहा था ना। ए साले, बात बात पे हाथ क्यों उठाता है? मैं तो बैंक की तारीफ कर रहा था। अपने जीजा के साथ कोई ऐसे बर्ताव करता है? आर्मी में है तो क्या सबके रोज चढ़ो? ये रहा बैंक का ब्लूप्रिंट। अच्छा, तुर्की में कुटिया बनाना है, एड्रेस कैसे मिलेगा?
कस्टमर्स के डिटेल्स बैंक के मेन सर्वर में एनक्रिप्टेड होते हैं, उन्हें सर्वर रूम से ही कॉपी किया जा सकता है। ब्लूप्रिंट के हिसाब से बैंक के एंट्री पे लेफ्ट साइड में बेसमेंट है, सर्वर रूम वहीं तो नहीं? मैंने बैंक की सर्वेलेंस की थी, हाईली सिक्योर्ड बैंक है, स्पेशली सर्वर रूम एक्सेस सिक्योरिटी हेड के पास है। एक्सेस कार्ड के बिना वहाँ एंट्री नहीं हो सकती, बहुत स्ट्रिक्ट है। उसका हाथ काटना आसान है लेकिन कार्ड लेना इम्पॉसिबल। और लंच टाइम है 1 to 1:30, वो एक ही रेस्टोरेंट जाता है। इसका मतलब लंच टाइम और वेन्यू फिक्स्ड है? कंफर्म्ड इन्फो है। मतलब जब सिक्योरिटी हेड लंच करने के लिए ब्रेक लेगा तब हम सर्वर रूम में जा सकते हैं, है कि नहीं? इतने एक्साइटेड मत हो, जिस अकाउंट को एक्सेस करना है वो एक्टिव भी होना चाहिए, वरना कोई फायदा नहीं। एक और तरीका है, डायरेक्ट दीपक मेहता को फोन करते हैं, उसे बोलेंगे कि अपना अकाउंट खोल के रखना, सारे डिटेल्स हम लोग निकाल लेंगे। अब समझा, तुम्हारी प्लानिंग में खोट है। अरे बैंक से पैसे निकालने की बात हो रही है, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, याद रखना। तो हमारा हर आइडिया बकवास ही लग रहा है, तो तुम ही कोई आइडिया दे दो। बक बक का एक्सपर्ट हूँ, आइडिया का कोई आइडिया नहीं है। वेरी गुड आइडिया। बैंक मैनेजर के पास हर एक अकाउंट का एक स्पेशल पासवर्ड होता है, तो अपना बकबक का अस्त्र उस बैंक मैनेजर पर चलाओ और दीपक मेहता का पासवर्ड उसी से उगलवा। उसके आगे मैं संभालूंगा। संभाल लेगा? ओए, अगर गलती से भी मिस्टेक हुआ ना तो ये इंडिया नहीं है कि पान वाले को पैसे दिए और हफ्ता पूरा हो जाएगा, ये इस्तांबुल है, गुल हो जाएगा। बड़ा आइडिया देने वाला, परदेश में मेरा नाम खराब कर रहे। वैसे मेरी दीदी ने मुझसे कहा था कि तुम्हारा जीजू ब्रेव हार्ट और बहुत इंटेलिजेंट है, एक वही है जो इस दुनिया में तुम्हारी मदद कर सकता है। सच में ऐसा कहा? सही सुना। मेरी पत्नी, मेरी पति व्रता है। छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारी बहन ने तो बोल दिया है, अब सवाल ही नहीं। चल बॉटल में उतारते हैं बैंक मैनेजर। चल अब देख मिस्टर इंडिया का कमाल। ए जवान जी, अगर अंदर फटने की आवाज आई समझ लेना कि मेरे साथ ही कुछ हुआ है। अपनी दीदी से कहना कि आज मैं भी एक मिशन पर निकला हूँ। जय हिंद।